हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो पूरी कोशिश करती है कि उसका बच्चा उसके गर्भ में सेफ रहे और उसके बच्चे को कोई भी तकलीफ ना हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ होती है, खास तौर पर उन कामों की वजह से जिसकी वजह से आपके पेट पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से आपके होने वाले बच्चे को भी गर्भ के अंदर तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, ताकि आपके घर में पल रहा बच्चा सुरक्षित रहे और उसे किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ ना हो। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके पेट पर प्रेशर पड़ रहा हो, जैसे कि घर का काम करना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना। ये सब ऐसी गलती हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि कपड़े धोने, झाड़ू लगाने या फिर पोछा लगाने, इन सभी में आपको झुककर काम करना पड़ता है और झुकने की वजह से आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके लिए अच्छा नहीं है और साथ के साथ आपके बच्चे को भी इसकी वजह से तकलीफ होती है। ऐसे में अगर आपको कपड़े धोने पड़ रहे हैं तो आप किसी की मदद ले लें, और झाड़ू और पोछा करने के लिए आप बड़े और लंबे हैंडल वाले झाड़ू और पोछे का इस्तेमाल करें, ताकि आपको कम से कम झुकना पड़े। दूसरी गलती जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है वो है सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें या फिर उतरें नहीं, क्योंकि ऐसा करने से एक तो दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, साथ के साथ आपके पेट पर भी दबाव पड़ता है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ आपको बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ रहा है, तो आप ज़्यादातर काम किसी और की हेल्प से करवाएं, और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप सीढ़ियों को चढ़ें या फिर उतरें नहीं। तीसरी गलती है टाइट कपड़े पहनना। कई महिलाओं को टाइट जींस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है या फिर टाइट कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, जिसकी वजह से उनके पेट पर प्रेशर पड़ता है। ऐसे में आपको ऐसे कपड़े जो काफ़ी ढीले ढाले हों वो पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े जिनसे आपके पेट पर दबाव पड़ रहा हो, जैसे कि जीन्स वगैरह, आपको नहीं पहननी चाहिए। अगर आपको पहननी पड़ रही है तो आपको इसे कमर से थोड़ा नीचे पहनना चाहिए, और अगर आप इलास्टिक वाले ट्राउज़र का इस्तेमाल कर रही हैं तो भी आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप इसे नीचे बांधें, ताकि आपके पेट पर प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा अगर आपको पेटीकोट पहनना पड़ता है तो इसको थोड़ा ढीला बांध लें, ऐसा करने से आपके पेट पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। चौथी गलती है वो है वॉक। वॉक करते समय अगर आप तेज से चलते हैं तो इसकी वजह से भी आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हर रोज़ सुबह या फिर शाम को 15-15 मिनट की वॉक करनी चाहिए, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप तेज कदमों से ना चलें, आप छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करें, ताकि आपके पेट पर प्रेशर ना पड़े। और वॉक करते वक्त अगर हो सके तो आप अपने पेट को सपोर्ट दें या फिर प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हेल्प करेगा। पाँचवीं गलती है घर का काम करते वक्त केमिकल्स का इस्तेमाल करना। अगर आपको घर का काम करना पड़ता है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप घर की साफ़ सफाई कर रही हैं तो आप नेचुरल आइटम का इस्तेमाल करें, ना कि केमिकल वाले आइटम का, क्योंकि ये केमिकल आपकी नाक के जरिए आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं, जो कि आपके बच्चे तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर आपको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो नाक पर किसी तरीके का मास्क लगाकर ही काम करें, ऐसा करने से किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके बच्चे तक नहीं पहुँचेगा। अब उम्मीद है कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर DM करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।